इन दरिंदों से बेटी बचेगी तभी तो बढ़ेगी पढ़ेगी ना। ये बढ़ती जा रही दरिंदों की तादाद, दिन पे दिन होती है रेप की वारदात। आज मंदिर में आज मस्जिद में करके साले घूमते हैं खुले हाथ। बढ़ती जा रही दरिंदों की तादाद, दिन पे दिन होती है रेप की वारदात। आज मंदिर में आज मस्जिद में करके साले घूमते हैं खुले हाथ। इट्स अ बिग रीजन इंडिया में कोई कानून नहीं, यहाँ सबके सब ना मर्द हैं, इनमें मर्दों का खून नहीं। चाहे बालिक हो ना बालिक, रेप की सजा हो फांसी, यहाँ वहशी दरिंदे हैं जिनमें इंसान की जून नहीं, जिनमें इंसान की जून नहीं, जिनमें इंसान की जून नहीं। चाहे बालिक हो ना बालिक, रेप की सजा हो फांसी, यहाँ वहशी दरिंदे हैं जिनमें इंसान की जून नहीं। क्यों तुम ही कहते हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठा नारा एटलीस्ट अब तो हटाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठा नारा एटलीस्ट अब तो हटाओ। ये झूठी हमदर्दी जनता को मत दिखाओ, अगर कुछ करना है ठोस कानून बनाओ। अगर कुछ करना है ठोस कानून बनाओ, अगर कुछ करना है ठोस कानून बनाओ। अब गड़ी बॉय के साथ तुम ये आवाज उठाओ। अब बस हुआ बॉम, अब बस हुआ बॉम, अगर होगा फिर कोई रेप उसको दो सजाए मौत। अब बस हुआ बॉम, अब बस हुआ बॉम, अगर होगा फिर कोई रेप उसको दो सजाए मौत। अब बस हुआ बॉम, अब बस हुआ बॉम, अगर होगा फिर कोई रेप उसको दो सजाए मौत। अब बस हुआ बॉम, अब बस हुआ बॉम, अगर होगा फिर कोई रेप उसको दो सजाए मौत। अब बस हुआ बॉम, अब बस हुआ बॉम, अगर होगा फिर कोई रेप उसको दो सजाए मौत। दिस इज अ रियल फैक्ट ऑफ इंडिया, यहाँ जिस पर बीतती है उसको आवाज उठानी पड़ती है, उसको मौत और कानून से इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जनता की सिंपैथी भी यहाँ सिर्फ कैंडल मास तक ही दिखाई पड़ती है। हमें लड़ाई साथ मिलके लड़नी है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा खुद ही करनी है, क्योंकि सत्ता औलादों की हो या बे औलादों की फर्क नहीं पड़ता।